हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फार्माकोफोरेसी फिफ्थ सेम का फिफ्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रह गए थे, तो इस लेक्चर में हम दोनों ही टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं हमारे क्रोमेटोग्राफी एक्सट्रैक्शन, उसकी वीडियो मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दी है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सुना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूवी, आईआर, एनएमआर, ठीक है, जिसमें रेडिएशंस की हेल्प से हम अपने जो भी ड्रग है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे ड्रग में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले मेन चीज़ आती है, इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी केमिकल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें वो केमिकल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए टर्मेरिक में अगर कर्क्यूमिन है तो हमें टर्मेरिक को फिजिकली देख के हम नहीं बता सकते कि वो टर्मेरिक है एक्चुअली या नहीं है। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसे पता करना पड़ेगा कि उसमें कर्क्यूमिन प्रेजेंट है या नहीं। तो वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करके हमें पता लगा रहे हैं कि ये एक्चुअल ड्रग है या नहीं है, इसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू होता है। जैसे कि आपने टीएलसी करी हुई है, जितने भी हमने क्रोमेटोग्राफी हमने जो मेथड्स पढ़े हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो उसमें आपने देखा होगा डिटेक्शन के लिए जो मेथड यूज करे हैं उसमें एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज होता है कि उस हम सैंपल को अंडर यूवी लाइट में हम देखते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, हमारा जो ग्राफ है वो बन के जाता है, तो इससे हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली हम यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन देखें तो इट इज अ मेजरमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड when molecule, atom, ion of a sample move from one class to another class। देखिए तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर अपना सैंपल लिया है। सैंपल मतलब हमने क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम पास कराते हैं तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी हो गई, यूवी, आईआर, एनएमआर, माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव्स, सारी सारी क्या है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो अपने प्लांट एक्सट्रैक्ट में से जो भी हम ईएमआर को पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो है कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी या कितना रेडिएशन को एमिट करेंगी, तो उस बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ बन के आ जाता है। उस ग्राफ के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से हम अपना कंपेयर करते हैं कि इसकी वेवलेंथ, इस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ जो है इतनी है, इस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ इतनी है, क्योंकि इतनी फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो सबकी दी गई है, तो उस सब से कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ने कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल पर होगा। ये हमारी क्या है, लो एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे ही वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ से वो एमिट होके हाई एनर्जी लेवल पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का यहाँ पर एमिशन या फिर एक्साइटमेंट होता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे। उसी के बाद मॉलिक्यूल जो है वो अपना जिस वेवलेंथ पे वो एमिशन शो करता है, जिस वेवलेंथ पे वो अपना क्लास को चेंज करता है, वो वेवलेंथ जो है वो मेजर कर ली जाती है और उसी को हम ग्राफ के रूप में देखने को मिल जाता है और हमारी रीडिंग आ जाती है और उस रीडिंग को हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में वही है, तो इट इज़ अ मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ EMR जो एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल की या फिर जो एमिट हो रही है, ठीक है, सैंपल में, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। तो उस केसेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वही कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इट इज बेसिकली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, EMR जैसे बोलते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, ठीक है। ये फोटॉन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है। इसके दो करेक्टरिस्टिक होती है, ये वेव लाइक करेक्टरिस्टिक भी शो करती है और पार्टिकल लाइक भी करेक्टरिस्टिक शो करती है, ठीक है। वेव के फॉर्म में भी ये मूव करती है, वेव के फॉर्म में भी मूव करती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी मूव करती है, दोनों ही करेक्टरिस्टिक इसमें होती है। और थर्ड प्रॉब्लम ये रहता है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। तो जितनी भी EMR है वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम देखें तो कौन कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, तो वो हैं कॉस्मिक रेस, गामा रेस,
एक्स रेज, यूवी विजुअल, आईआर, माइक्रो रेडियो, ये सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ भी दे रखी है कि कॉस्मिक रेज की सबसे कम वेवलेंथ रहती है 10^-9 नैनोमीटर, तो उस पर गामा रेज की एंगस्ट्रॉम में एक्स रेज, देन यूवी रेज की रहती है 200-400 नैनोमीटर, विजुअल की 400-800 नैनोमीटर, आईआर की माइक्रोन्स में रहती है, माइक्रोवेव की सेंटीमीटर में, रेडियो वेव की मीटर्स में रहती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारी रेडियो वेव्स के जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके वेवलेंथ दे रखी है कि इतने इतने वेवलेंथ में इन सारी रेडियो जो वेव्स होती हैं इनकी इतनी इतनी वेवलेंथ इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हम फार्मेसी में इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं और उसकी क्या क्या वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूवी, IR, NMR। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली वैसे तो फोर टाइप्स की होती हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना जाकर केवल इनका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ लेना, इतना सफिशियंट रहेगा आपके आंसर के लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने देखा होगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम यूवी लाइट के अंदर अपने सैंपल को एग्जामिन करते हैं, क्या देखने के लिए उसमें प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम कैसे एग्जामिन करेंगे कि हमारा जो सैंपल है हमने उसे यूवी बीम या यूवी लाइट के अंदर रख दिया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ऊपर वेवलेंथ आती है, मतलब उसकी जो रीडिंग है वो आती है, और उस रीडिंग को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, और फिर हम उसको फाइनलाइज करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो उसकी एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन इन वेवलेंथ रीजन, अब लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है मतलब कितनी वेवलेंथ रीजन में इसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो वो रहता है 200-800 नैनोमीटर। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर यूवी और विजिबल दोनों के ही नाम दे रखे हैं, तो यूवी और विजिबल तो मैंने पिछले उसमें बताया था अभी कि यूवी की जो वेवलेंथ है 200-400 रहती है और विजिबल की होती है 400-800, लेकिन यहाँ पर दोनों ही काम करते हैं यूवी एंड विजिबल, तो इसलिए टोटल इसकी वेवलेंथ रहती है 200-800 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये इसकी वेवलेंथ है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो यहाँ पर दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक होता है सिंगल बीम, एक होता है डबल बीम। सिंगल बीम और डबल बीम का मतलब क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर एक ही बीम आ रही है, एक सिंगल यूवी लाइट की बीम आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को बोला गया है सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें एक टाइम पे केवल एक ही सैंपल को मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जो डबल बीम होता है उसमें क्या होता है, इसमें दो बीम एक साथ आती है, मतलब एक टाइम पे हम दो सैंपल को हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रख दिया क्यूवेट में, एक हमने टेस्ट रख दिया, दोनों का डबल बीम में रख दिया, और दोनों का आंसर जो है जो एनालिसिस होगी वो एक ही टाइम पे होगी। तो यही बेसिक डिफरेंस रहता है सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर रखना। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, तो यहाँ पर देखें कि इसका यूज़ क्या है। बेसिकली यूवी का हम यूज इसलिए करते हैं प्लांट कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। वही लिखा है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कन्फर्मेशन ऑफ प्लांट कॉन्स्टेंट, कि हमारा जो ड्रग है उसमें वो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे हमारा जैसे हमें टी का एक्सट्रैक्शन करें, उसमें से कैफीन को एक्सट्रैक्ट आउट करें, बट इट इज़ नॉट श्योर कि इट इज़ कैफीन और नॉट। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं यूवी को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारा वेवलेंथ या हमारी रीडिंग हमारे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके वो एग्जैक्ट आ जाती है या थोड़ा आसपास आती है, इसका मतलब उसमें कैफीन प्रेजेंट है। अगर नहीं आती है, इसका मतलब उसमें कैफीन के अलावा कोई और अल्टरेशन या कोई और कंपाउंड भी मिक्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स भी कुछ दे रखे हैं, ये कुछ फाइटोकॉन्स्टेंट के नाम हैं। ठीक है, उनकी यूवी की रेंज दे रखी है, उनकी विजिबल की रेंज दे रखी है। ठीक है, ये रेंज दे रखी है, तो इस पर हमारी क्या होती है, इस रेंज में इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया एंथोसाइनिन जो केमिकल है उसकी यूवी की रेंज 275-300 नैनोमीटर्स में रहती है, विजिबल में अगर हम देखेंगे तो 475-555 नैनोमीटर्स में आएगी। तो इस तरह से आप याद कर लें, बीटासाइनिन या फ्लेवोनॉइड्स की रेंज इस नैनोमीटर में आती है, अगर विजिबल में देखेंगे तो इतने रेंज में उसकी रीडिंग आती है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है और इसको हम अपना कंपेयर करते हैं, हम एनालाइज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा डीप में नहीं गए, अगर हम डीप में जाएंगे तो
बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा और वो आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है। एक चीज और कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें क्या पता चलता है, किसी भी कंपाउंड में सेचुरेशन और अनसेचुरेशन पता चलता है। अब सेचुरेशन अनसेचुरेशन क्या होता है कि हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है हमारी आईआर। आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं अपने सैंपल में फंक्शनल ग्रुप। हमारे सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करते हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ग्राफ बनता है, पीक आती है। पीक इन द सेंस कैसे आएगी, जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पीक आएगी इस तरीके से, जैसे हमारा एग्जांपल के यहाँ पे दे रखा है अल्कोहल पीक। अल्कोहल की पीक जो है वो 3600 नैनोमीटर पे आती है, ठीक है, ये हमारी पीक है। तो 3600 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अगर हमारी पीक आ रही है, इसका मतलब इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर है। अगर हमारी इस पे 1410, ठीक है, अगर हमारी पीक यहाँ पे आ रही है 1410 पे पीक आ रही है, इसका मतलब इसमें फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। फिनॉल ग्रुप बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा होगा तो हमारा फिनॉल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं पीक के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ बनकर आता है, ग्राफ बनकर आएगा तो उसमें पीक बने हुए आएंगे, तो हम पीक को मेजर करेंगे कि वो पीक हमारी कितने वेवलेंथ पे, कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ पे आ रही है, और उसको हम देखेंगे कि इतनी वेवलेंथ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाले सैंपल में जो है ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कुछ पीक दे रखी है, अल्कोहल की पीक दे रखी है, फिनॉल की पीक दे रखी है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ सैंपल, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनएमआर। एनएमआर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक थर्ड टाइप है। उसमें क्या रहता है हमारा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फुल फॉर्म रहती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाम से तो चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा क्या हो रहा है, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे सैंपल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब होता है हाइड्रोजन, एक एच, एक हाइड्रोजन, ठीक है, उसे बोलेगा गया है हमारा प्रोटॉन। तो हमारे सैंपल में कितने हाइड्रोजन है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर हम एसिटाइलिन की बात करें, ठीक है, C2H4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चार प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 4H, चार प्रोटॉन है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो सैंपल है उसमें कितना प्रोटॉन है, कितना कार्बन है। तो ये नंबर हमें काउंट करने होते हैं तो हम एनएमआर परफॉर्म करते हैं। तो एनएमआर में क्या करते हैं, हमारा जो रेडिएशन आता है, ठीक है, जैसे हमारा ये सैंपल है, ठीक है, सैंपल में हमने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करी EMR, उसके साथ में हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हम देखते हैं। जब अपना सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहता है तो हमारा जो प्रोटॉन है उसका रेजोनेंस होता है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसी बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, HNMR और CNMR। H मतलब हाइड्रोजन और C मतलब कार्बन, ठीक है। तो अगर हमारा ये देखना है कि हमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें, तो हमें हम कौन सा परफॉर्म करेंगे इसमें, HNMR। अगर हमें ये देखना है कितने नंबर उसमें कार्बन प्रेजेंट, कार्बन इन द सेंस यहाँ पे दो टाइप के हमारा कार्बन देखें, तो C12, C13 और C14, ठीक है, आपने पढ़े होंगे रिलेटेड कंपाउंड्स में। तो ये तीन टाइप के कार्बन होते हैं, 12, 13, 14। तो ये देखने के लिए कि कौन सा उसका कार्बन प्रेजेंट है, तो हम परफॉर्म करते हैं CNMR, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली कितने टाइप की, यहाँ पे बताया है यूवी, आईआर, एनएमआर, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन। इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में या सैंपल में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आईआर से पता चलता है कि हमारे सैंपल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, और एनएमआर से पता चलता है कि हमारे सैंपल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो बेसिक इन तीनों में यही डिफरेंस रहता है, तीनों का डिफरेंट मैथड्स हैं, प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपके लिए इतना ही है कि आप इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लें, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है,
दो टाइप में डिवाइड करो इसको, इलेक्ट्रो और एक होता है फोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोरेसिस मतलब होता है सेपरेशन। मतलब हम किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन कर रहे हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम अपने सैंपल को सेपरेट आउट कर रहे हैं, जो भी उसमें आयन है उसमें सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से सैंपल्स का यूज करते हैं अंडर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। हर एक सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कर सकते हैं, जिन भी सैंपल पर चार्ज होता है उन्हीं सैंपल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे कौन से हो गए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब पर चार्ज होता है कंपाउंड्स पे, तो इन्हीं का हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में यहाँ पे चार्ज जो होते हैं वो मूव करते हैं, और जिससे हमारे यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए उन्हीं कंपाउंड्स का यूज करते हैं जिनका चार्ज, जिन पर चार्ज होता है। सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइज। वही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हमारे जो कंपाउंड है, जो सैंपल है, उसमें आयंस को हम सेपरेट आउट करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये साइज के बेसिस पे भी सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यह आपका इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। तो प्रिंसिपल देखें इसका, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बीकर है, बीकर में बफर सोल्यूशन फिल है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन, और उसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। आपको तो पता होगा कि एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने सेल से कनेक्ट कर दिया है, वोल्टामीटर वाला लगा दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया हमने, इसमें सैंपल डाल दिया, मतलब बफर सॉल्यूशन में सैंपल भी डाल दिया। जैसे सैंपल डाला, अब सैंपल में क्या होंगे, चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा। जो पॉजिटिव वाले आयन्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव वाले आयन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। अब जैसे कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कैटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हमारा कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला जो है माइनस की तरफ, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो कैटायन हमारे कैथोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारा एनायन है वो हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनायन हमारा एनोड की तरफ जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे हमारे आयन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इस वजह से फिर उनको निकाल के उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेपरेशन हो जाता है किसी भी सैंपल में से उनके आयन्स का। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पर बेस होता है इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का। समझ में आया, सिंपल फंडा है इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सिंपल, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सैंपल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो कुछ सैंपल्स, जैसे एग्जांपल डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, जो आयन चार्ज चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उन्हीं का यहाँ पर सेपरेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक एक करके हम तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें डायग्राम दिख रहा होगा, आप इसको समझ लें अच्छे से, और उसको फिर अपने लैंग्वेज में अपना राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम दिख रहा है सबको। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है हम पेपर का यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, पेपर की हेल्प से। पेपर मतलब फिल्टर पेपर भी हो सकता है, क्योंकि फिल्टर पेपर में कैपिलरीज होती है और उससे आयन्स जो है इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पेपर की हेल्प से क्या हो रहा है, दोनों हमारा जो कैथोड एनोड है दोनों इलेक्ट्रोड अटैच हो रहा है। मतलब एक हमारा एनोड चैम्बर हमने बना रखा है, एक हमने कैथोड चैम्बर बना रखा है। एनोड चैम्बर हमारा कौन सा चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड चैम्बर हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों ही चैम्बर है, और ये रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, पेपर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेपर है। अब पेपर को पहले हमने बफर सॉल्यूशन में डिप कर लिया है, उसके बाद में इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है, दोनों इलेक्ट्रोड से हमने पेपर को अटैच कर दिया। क्लियर है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस पर हमने इलेक्ट्रोड जनरेट मतलब अटैच कर दिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, अब हमने क्या करा, सैंपल अप्लाई किया फिल्टर पेपर पर, जो भी हमारा पेपर है उसके सेंटर में हमने करा सैंपल अप्लाई किया, सैंपल अप्लाई करेंगे और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे तो हमारे क्या होंगे, चार्ज होंगे वो मूव करेगा। अब यहाँ पे जो होगा, सैंपल में जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हमारे नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और सैंपल में जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दोनों मतलब पेपर पर सैंपल अप्लाई करके पेपर के थ्रू चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं, और दोनों ही चैम्बर में जाके कलेक्ट जा रहे हैं। लास्ट में हमने चैम्बर्स इलेक्ट्रोड्स को निकाल लेना है और उसके आयंस को हमने सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपल
कंडा है, प्रिंसिपल वही है, बस यहाँ पर क्या हमने यूज कर लिया, फिल्टर पेपर यूज करा जिसपे मैंने सैंपल अप्लाई किया है और उसके बेसिस पे हमारे आयन्स होंगे वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर इलेक्ट्रोफोरस। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरस। जेल इलेक्ट्रोफोरस का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इसमें नाम पता चल रहा है जेल। इसमें क्या होता है, हमने इसे पेपर इलेक्ट्रोफोरस में दो चैम्बर के बीच में हमने पेपर का यूज़ किया था, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, जेल का यूज़ करते हैं। अब जेल इसमें कौन सा हो सकता है, एगरोस जेल हो सकता है या पॉली एक्रिलामाइड जेल हो सकता है, ठीक है। इस जेल पर सेपरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन जो होता है वो साइज के बेसिस पे होता है, ठीक है। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, साइज के बेसिस पे। मॉलिक्यूल जो होंगे वो जेल पर मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चैम्बर है, चैम्बर में हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा क्या है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अब हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, इसको दोनों को क्या कहते हैं, हमने वोल्टेज से हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जेल अप्लाई किया, हमने जेल कहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा चैम्बर जो कनेक्टेड है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बफर सोल्यूशन भरा हुआ है और हमें हमने जेल को एक लेयर जो है जेल की लगा दी है। अब हमने क्या करा, सैंपल को अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। सैंपल को हमने जेल के ऊपर अप्लाई कर दिया। सैंपल यहाँ पर जो लिया गया वो क्या लिया गया, डीएनए का लिया गया। तो डीएनए जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज उसके कहाँ मूव करेंगे, हमारे पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब वो मूवमेंट जो होगा साइज के बेसिस पे होगा, जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो स्लो मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़े पार्टिकल का मूवमेंट स्लोली होगा, छोटे पार्टिकल होंगे वो फास्ट मूव करेंगे। तो लार्ज पार्टिकल जो होंगे वो स्लो मूव करेंगे और जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जेल है, जेल की शीट है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो लार्ज पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जाएंगे, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, और जो स्मॉल पार्टिकल है वो आगे तक मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन होता है जेल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो लार्ज पार्टिकल है उनका ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उनकी लेयर हमारी ऊपर ही बन जाएगी, और जो स्मॉल पार्टिकल है वो नीचे तक आ जाएंगे और वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ही है, इसका फंडा जो है जेल इलेक्ट्रोफोरस को जेल के बेसिस पे होता है। यहाँ पर हम एग्रोस जेल या पॉलीक्रोमेट जेल का यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैथोड एनोड को हमने लगा दिया और बीच में सैंपल अप्लाई कर दिया। देन उसमें माइग्रेशन देखेंगे, क्योंकि डीएनए अंदर या नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद लास्ट हमारा टाइप आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने कैपिलरी यूज करी है, ये रेड कलर से दिख रही है, ये क्या है हमारी कैपिलरी है। दोनों ही बफर सॉल्यूशन है, एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है। दोनों ही बफर सॉल्यूशन है और दोनों ही बफर सॉल्यूशन के बीच में हमने दोनों को इलेक्ट्रोड से हमने कनेक्ट कर दिया है और बीच में हमने कैपिलरी से टच कर दिया। अब यहाँ पर सेपरेशन होगा, वो किसमें होगा, हमारा कैपिलरी में होगा। तो यहाँ पर देखा है आपने, ये हमारी कैपिलरी है, कैपिलरी में हमने यहाँ पर सैंपल भी अप्लाई कर दिया अपना और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है। डिटेक्टर हम क्यों लगाते हैं, देखने के लिए। डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा कौन सा आयन जो है, मतलब उसका सेपरेशन जो हो रहा है वो कितना बेटर हो रहा है, वो हमारा डिटेक्ट करके हमें तुरंत बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल भी यूज किया है, डिटेक्टर भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इजी है, यहाँ पर एक कैथोड भी है, एनोड भी है, ठीक है। ये दोनों ही अटैच है, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन भरा हुआ है, कैपिलरी है, यहाँ पे हमने सैंपल अप्लाई कर दिया। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करेंगे तो यहाँ पर जो भी सैंपल है, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो हमारे पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेंगे, ठीक है, सैंपल के। और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा और इस तरह से हमारा जो है आयंस का सेपरेशन हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमने तीन टाइप का डिस्कस किया। पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस का, देन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपके बिल्कुल डायग्राम बना के आ सकते हैं और जो भी मैंने समझाया है उसको अपनी लैंग्वेज में, उसका प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन आप लिख सकते हैं। और जनरली इसकी एप्लीकेशन जो रहती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड एंड द सेपरेशन ऑफ द आयंस फ्रॉम द सैंपल। इसका बेसिकली यूज हम सैंपल में किसी भी आयन को, आयंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं, प्रोटीन, डीएनए, अमीनो एसिड, इनका सेपरेशन करने में इसका यूज करते हैं।
तो इस मिडिल लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपका फिफ्थ यूनिट जो है फार्माकोग्नोसी का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।